अम्मी पापा बस पहुंचने ही वाले होंगे। आप नहीं आ रहे? अम्मी पापा आ रहे हैं ना? अच्छा, सब ठीक है ना? आप ठीक है? अच्छा आयमा, तुम रायमा को फोन देना। जी, बात करेंगे। हेलो आसिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रायमा, ऐसा है कि काफी देर से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। बहुत खुशी हुई आप आए। जाओ ना बेटा, चाय वाय का बंदोबस्त करो। जी। असलम, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अंकल सब खैरियत है ना? बेटा परेशान नहीं होते, बड़ों के मामला है। तुम जाओ, अंदर जाओ। जाओ बेटा, जाओ, चाय लेके आओ। आप भी? क्या बात हुई है आसिम भाई से? कुछ नहीं। कुछ तो कह रहे होंगे अंकल, आंटी, अयास भाई, सब बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं हुआ। ये क्या कर रही हो? आसिम भाई से खुद फोन करके पूछूं कि आपको क्या कहा है। आयमा तुम पागल हो? अगर वो मुझे कुछ कह देंगे तो तुम उनसे जवाब तलब करोगी? क्यों नहीं करूंगी, अगर आपको कोई भी दुख देगा ना तो खून कर दूंगी उसका। और जैसे उनका खून मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, कभी भी नहीं। आप ही? क्या आप ही? छोड़ो फोन, दो इधर। बात क्या हुई है मुझे बताएं तो सही, फजूल में परेशान कर रही है। अब एक बात के पीछे पड़ जाओ तुम। असलम भाई, आप हमारी मजबूरी को समझें प्लीज। नहीं असलम, जोर जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो शादी हम उसी डेट पे करेंगे जो डिसाइड हुई थी। देखिए अंकल, आप परेशान मत हो, मुझे तो जाना ही है, लेकिन अगर मैं... नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जब हम एक हो गए हैं तो फिर एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझना पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या कहूँ? जी भाई साहब, मैं जानती हूँ, बेटियों वालों के 100 प्रॉब्लम्स होते हैं, जाहिर है रिश्तेदारों के मसाइल होते हैं, लेकिन हमारी तो बस यही एक दरख्वास्त है। नहीं भाभी, आप इस तरह से कह के मुझे शर्मिंदा न करें। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन मैं बस जरा बच्चियों से, आप जानते ही हैं। जरूर जरूर, आप बच्चियों से मशवरा तो कर लें। आप लोग तशरीफ रखिए, मैं हाजिर होता हूं। देख लिया ना, बैठे बिठाए एक शरीफ आदमी को परेशान कर दिया, अब कैसे करेंगे ये सब कुछ? ओहो चुप करें, आप हमेशा दूसरों के गम में दुखी रहते हैं सिवाय अपने। क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आयमा आहिस्ता बोलो, साथ वाले कमरे तक तुम्हारी आवाज जा रही होगी। अच्छा है, चली जाए आवाज। अपनी मजबूरी देख रहे हैं, हम लोगों का तो कोई ख्याल नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता, इस तरह से नहीं हो सकता। वैसे भी इतनी चीजें करना बाकी है, कार्ड बांटने, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अरे बाबा, हमने बेटा
क्या अब हमने लोगों की बातों की परवाह करनी है? देखो ना, हमें तो फयाज साहब की प्रॉब्लम से गर्ज है ना। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना, इस तरह से मैं रुखसत नहीं करूंगी अपनी बहन को। लावारिस नहीं है वो, मैंने सारे अरमान पूरे करने हैं, अभी कोई बेआसरा तो नहीं है ना। भाई रायमा अपने घर में खुश रहेगी तो तुम समझो कि तुम्हारे सारे अरमान पूरे हो गए। लेकिन अभी तो मैंने अपने आप को संभाला हुआ था कि काफी वक्त है आप ही के यहाँ से जाने में, लेकिन अब वो कल ही चली जाएंगी। क्या हो गया बेटा, तुम तो इतने बहादुर हो। बहादुर इंसान तो हूँ लेकिन बहादुर बहन नहीं हूँ। रायमा चुप नहीं करोगी ना तुम? अबू आप वैसा ही कीजिए जैसा अंकल आंटी चाहते हैं, दुनिया को आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। रायमा मेरी बच्ची मेरी जान, मैं अंदर ये कहने के लिए आई थी कि शादी मुकर्रा वक्त पे ही होगी, लेकिन तुम्हारी बात सुन के मुझे जैसे नई जिंदगी मिल गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जीती रहो, खुश रहो। शुक्रिया असलम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अरे आप आइए शकीला भाई, खुद ही मान जाएगी। आप आइए ना, आप तशरीफ लाइए, जाओ बेटा चाय का बंदोबस्त करो। जी अब्बा। अम्मी मैं तो कह रहा था कि पोस्टपोन कर दें। अच्छा मैंने तो सोचा था माहौल बदलेगा, सब रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन बेटा जाहिर है हमें समझौता करना चाहिए था, हम दुख सुख के साथ ही हैं अब एक दूसरे के। वो मैं क्या करूंगी, आइमी मेरे साथ थोड़ा हाथ बटा दो, मैं सब कुछ इतना अकेले कैसे समेटूं? मैं क्यों करूं, खुद करे ना, बहुत शौक है ना यहाँ से जाने का, जल्दी से शादी हो यहाँ से चली जाए, अब खुद करे। तो मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है? तो मैं क्या करूंगी, ये सब कैसे करूं मैं अकेले? मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगी जब आप यहाँ से चली जाएंगी? अच्छा 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 अच्छा, रोना नहीं रोना नहीं, तुमने मुझे कहा था ना तुम नहीं रोगी। देखो आयमा तुम खुद सोचो, अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या तुम आसिम की रिक्वेस्ट को इस तरह ठुकरा देती, अब्बू को इनकार कर देती, या अपने ससुराल वालों का भरम तोड़ देती, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का दिल रखने के लिए? मैं क्या करती, वो ही करती जो आपने किया है, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं ना। आयमा क्या कह सकते हैं, मजबूरी है ना, समझो इस बात को, ठीक है? चलो मेरे साथ समेट दो ये। पापा जो अल्लाह को मंजूर है, अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बेटा मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हूँ, उन लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो गई। ज्यादती किस बात की पापा, मुफ्त में अपनी बेटी ब्याह दी, और क्या चाहिए? बिना बेटियों की कोई कीमत नहीं होती। अम्मी ये सब ठीक नहीं हो रहा, रायमा ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। सही बात है, बेचारी किस किस को जवाब देती फिरेगी। शकीला आप कुछ भी हो, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप बेफिक्र हैं, तैयारी तो तकरीबन कंप्लीट है, जेवर कपड़ा बरी सभी कुछ कंप्लीट है। मैंने भी अपने दोस्तों से बोल दिया, कल वो लोग आएंगे तो हम हासिम भाई का कमरा सजा देंगे। मैं तो आयमा की वजह से बहुत परेशान हुई, उसका तो रो रो के बुरा हाल था। आसिफ लीजा की कोई खबर आई? अम्मी अयाज रब्ता करने की कोशिश कर रहा है,
उसने फेसबुक पे अपने एक फ्रेंड से रابطہ करने की कोशिश की है कि वो जाके लीजा को देखे। डॉक्टर ने लास्ट ऑप्शन क्या दिया? क्या मतलब है? इतनी हालत खराब है कि अगर सुबह तक होश नहीं आया तो बेबी अबॉर्ट करना पड़े? अयाज ठीक है। अयाज बेटा कुछ पता चला? लीजा की हालत बहुत क्रिटिकल है, उसकी तबीयत ना संभली, उसे होश नहीं आया तो डॉक्टर कह रहे हैं कि बेबी है बहुत। अल्लाह मेरे मालिक। जब ये नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा सदमा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अम्मी अगर आपने हिम्मत हार दी तो अयाज को कौन हौसला देगा? और उसकी फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है और ये यहां से कुछ कर भी नहीं सकता। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ख्याल रखो इसका। चलो क्या कुछ सोच रखा था मैंने, अपनी बहन को हाथों से सजाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, अपनी दोस्तों को बुलाऊंगी, हल्ला गुल्ला करूंगी, ढोलकी बजाऊंगी, कुछ भी नहीं हो रहा। बस दुआ करो बेटा, अल्लाह रहमा के नसीब अच्छे करे। अब्बू ये भी कोई शादी होती है ना? बारात का हंगामा, न मेहमानों का शोर। बेटा जाहिर है हमें समझौता करना चाहिए था, हम दुख सुख के साथ ही हैं अब एक दूसरे के। वो मैं क्या करूंगी? तुम मेरी जगह खड़ी हो जाओ, तुम्हें करार आ जाएगा। अब्बू सच कह रहा हूं, तुम्हें पता चल जाएगा कि एक बाप की क्या मजबूरियां होती हैं। उसे किन किन बातों पे समझौता करना पड़ता है? ना फर्नीचर आया, ना जहेज आया, लोग क्या क्या बातें करें। बस अब जैसे हो रहा है चल रहा, इसी में अल्लाह की रजा है। तुम जाओ जाके बहन को संभालो, वो बेचारी तो शिकवा भी नहीं कर सकती। अम्मी। हाँ आसिम बेटा। अम्मी सब ठीक तो है ना? आप अभी तक तैयार नहीं हुई। बेटा सोच रही थी ये कैसी खुशी है, गमों के साए में ढली हुई। मैंने सोचा था आप अयाज की औलाद, शिराज की औलाद के लिए। अम्मी आप अल्लाह से दुआ करें, वो बेहतर करेगा, आप प्लीज परेशान ना हो। बेटा अयाज को देख के ना मेरा दिल बहुत कटता है।
अम्मी मैं तो कह रहा था कि पोस्टपोन कर दें। अच्छा मैंने तो सोचा था माहौल बदलेगा सब रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन खैर छोड़ो। ये तुम क्या पहन के आ गए हो, जाओ जाके कपड़े चेंज करो बेटा। अम्मी बस ठीक है ना? नहीं मैंने कहा ना जाओ, जो मैंने ड्रेस बनवाया तुम्हारे लिए वो जाके पहनो। ओके ठीक है मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अम्मी आप भी तो चेंज करें ना प्लीज। और अम्मी प्लीज टेंशन ना लो। अच्छा बेटा आप, मैं भी चेंज कर रही हूँ, चलो जाओ तुम तो, मैं आ रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना? कोई बात तो करो आई मी। क्या बात करूं? ठीक है बस। आयमा तुमने अबू की दवाई का खास ख्याल रखना है, ठीक है? वो अपनी दवाई में बहुत ताखीर करते हैं, और तुमने उनके ऑफिस की तैयारी भी रात से कर लेनी है ताकि उन्हें सुबह देर ना हो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा ही ख्याल रखूंगी अबू का। आयमी मुझसे नाराज हो क्या? ये क्या पहना है आपने? जल्दी जल्दी में डिजाइनर से ड्रेस भी नहीं बन सका। आयमा अच्छा तो लग रहा है इतना, और तुम्हें पता है ये बहुत मुकद्दस भी है, अम्मी ने अपनी शादी पे से पहना था। इतना ओल्ड फैशन है, अब ऐसा कोई भी नहीं पहनता। मेरा तो दिल चाह रहा है कहीं जाके सर ही फोड़ लूं अपना। आयमा इतनी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना बंद कर दो। आपके लिए होंगी छोटी छोटी बातें गैर अहम, मेरे लिए तो बहुत अहम है। पूरा एक हफ्ता लगा के मैंने डिजाइन सेलेक्ट किया था। ऐसे आती है बारात, इतना चुपचाप, ऐसा लग रहा है चोर आ गए हैं घर में। नहीं चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा। और जल्दी से जाओ, जाके तैयार हो। चलो मैं नहीं हो रही तैयार, ठीक हूँ मैं इसी तरह। ये घड़ी अम्मी की घड़ी है, और आज से ये तुम पहनोगी। मैं नहीं, आप ही नहीं करें इस तरह। मैंने कह दिया ना तुम पहनोगी तो तुम पहनोगी, और देखो ये तुम्हारे हाथ में जच भी कितनी रही है। बस मैंने कह दिया ना इसलिए तुम पहनोगी, ठीक है? अब चलो जल्दी से जाके तैयार हो। चलो आपको तो तैयार कर दूं पहले, बस थोड़ा सा ही रह गया। ये लिपस्टिक कहाँ गई? याज बेटा बहू की को खैर खबर? अंकल तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरी दोस्त से बात हुई थी, वो कह रहा था कि आगे आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। अल्लाह रहम फरमाएगा इंशाल्लाह का। देखो वो बहुत गफूर रहीम है, मुझे बहुत उम्मीद है कि बेहतर खबर मिलेगी, तुम हौसला रखो। मैं हाजिर हो रहा हूँ जी। अरे क्या खाक ठीक होगा, सारा कुछ तो खराब हो गया। पापा प्लीज। क्या पापा प्लीज प्लीज लगा रखी है? इतनी तौफीक ना हुई कि दूल्हे वालों के लिए चार फूल मंगवा लें जो उनके ऊपर से बार के फेंकेंगे। पापा प्लीज चुप कर जाए। अरे क्या पापा, ये बहुत बड़ी बदशगुनी है जो फूल नहीं फेंके ऊपर से। अरे असलम भाई किस तकल्लुफ में पड़ गए आप? अरे नहीं फयाज भाई, वो असल में बच्चियां जरा मसरूफ है ना जी, इसलिए आप जानते ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, घर की बात है। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं असलम भाई, हम खुद ले लेंगे। असलम भाई इजाजत है निकाह शुरू करें? आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं इजाजत मांग के? रायमा अब आपकी बेटी है, आइए बिस्मिल्लाह। चलें काजी साहब मुंतजर होंगे। अरे भाई इतनी देर हो गई,
क्या मसला है, दुल्हन को लेके आओ। पापा बेटी की रुखसती का मामला है, इतना कोई आसान नहीं होता, समझा करें। हद होती है, लीजिए आ गए। आओ ले बहन जी, आपकी अमानत था। असलम भाई, जिस तरह आपने हमारा भरम रखा, हमारी मजबूरी को समझा, हमें इज्जत दी, ये एहसान हम आपका कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसा मत कहिए भाभी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। एहसान तो आपने किया है मुझ पर। आसिम बेटा, अंकल आप परेशान ना हो, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जीते रहो बेटा, सिर्फ इतना याद रखना कि कभी तुम्हारे माँ बाप की तरबियत में हर्फ ना आए। अब्बू आए माँ। आए माँ बेटा किसी कोने में बैठी रो रही होगी, तुम जाओ, जाओ अल्लाह के हवाले। अंकल हम आयमा से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? लेकिन दुल्हन जब घर की दहलीज से बाहर आ जाए तो उसका वापस घर में जाना बदशगुनी होती है। आप रायमा, बेटा तुम आसिम दोनों मिलके जाओ और आयमा को मना कर ला, उसकी नाराजगी वजह है। बेटा जब ससुराल के घर में आते हैं ना तो दहलीज पे पहले दायां पांव रखते हैं, बाएं पांव से बदशगुनी होती है। आप ही, मुझे नींद नहीं आ रही है आपके बगैर, मुझे आपका बाजू चाहिए, मेरा तकिया मुझे वापस कर दो ना। मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। आयमा, आयमा दरवाजा खोलो। आयमा नहीं खोलूंगी मैं, जब तक आप चली नहीं जाती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आयमी मैं जा रही हूँ, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, जाएं आप यहाँ से। तुम रो रही हो ना आयमी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नहीं रोगी। रो नहीं तो और क्या करूं। आयमा तुम मेरी छोटी बहन हो ना, दरवाजा खोलो खोलो। नहीं हूं मैं आपकी बहन, मैं सिर्फ आपकी की बहन। तुम चाहे मुझे भाई समझो या ना समझो, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो। सॉरी, मैंने बदतमीजी की आपसे, लेकिन हाँ। अच्छा अच्छा बस, इट्स ओके। अब आओ खुशी से रुखसती करवाओ अपनी बहन की। तो मुझे करना ही होगा। सखावत, फूल तैयार है ना? तौबा भाई, उसकी बहन को देखा था ना? क्या माफ करिए, कैसे ड्रामे कर रही थी? बस शकुनी की बातें कर रही थी वो। बस कर दें आपा, मेरा तो सर दर्द से फट रहा है। बीना, बीना दुल्हन को लेके आओ भाई, उसने आराम करना है, देर हो रही है।
उसके कमरे में लेके जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बेटा जब ससुराल के घर में आते हैं ना तो दहलीज पे पहले दायां पांव रखते हैं, बाएं पांव से बदशगुनी होती है। क्या गजब कर दिया तुमने? कम ऑन जमीला खाला, कैसी बातें कर रही है? खुशी के मौके पर ये बदशगुनी वाले बातें ना करें, दिस इज ऑब्सोलीट नाउ, कम ऑन। खाला जान, कदम तो कदम होता है, चाहे कोई सा भी रख लो। ठीक है भाई, हमें क्या, देख लेना इसका नतीजा। आपा ठीक तो कह रही हैं भाई, आजकल हर ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि दुल्हन के क्या तौर तरीके होते हैं। हेलो रेली, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली न्यूज, थैंक यू सो मच। आप सबके लिए खुशखबरी है, लीजा खतरे से बाहर है, लीजा भी और मेरा होने वाला बच्चा। देखा आपा? देखा आपने? मेरी बहू का उल्टा कदम भी कितना बरकत वाला है। अम्मी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। फयाज आप जल्दी से असलम भाई को फोन लगाएं और उन्हें मुबारकबाद दें, उन्हें बताएं कि हमारी बहू के घर में कदम रखते के साथ ही हमारे दुख दर्द तो सब दूर हो गए। अरे चलें, अब सारी बातें आप दुल्हन को यहीं पे खड़े करके करेंगे, अंदर ले चलें उसको, उसके अगर कदम यहाँ इस घर में हमारे मुबारक हुए हैं तो आगे आगे देखें होना क्या चाहिए। आजे चलो आजे। हाँ भाई सखावत फूल तो फेंको। तुम इस घर के लिए, मेरे लिए अनमोल खुशियां लेकर आई हो। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये रूप देखकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर कि हमारी शादी चलती चलती हो गई। हेलो हेलो आसिफ भाई, प्लीज मेरी आपी से बात करवा दे। ओके आयमा तुमसे बात करना चाह रही। हेलो आपी, इसी वक्त घर आ जाए आप, बस जल्दी से आ जाए प्लीज। आईमी आपी, मुझे नींद नहीं आ रही है आपके बगैर, मुझे आपका बाजू चाहिए, मेरा तकिया मुझे वापस कर दो ना।
आयमा ये पॉसिबल नहीं है, तुम ऐसा करो मुझसे फोन पे बात कर लो। क्या कह रही है पगली? आप भी खुदा के लिए समझने की कोशिश करें, आ जाए प्लीज। आसिम वो आयमा। लो मुझे दो फोन। हाँ आयमा बोलो। हेलो आसिम भाई, आपने तो मुझे बहन कहा है ना, तो प्लीज आप ही को ले आए यहाँ पे जल्दी से। इस वक्त प्लीज मुझे दीजिए फोन। आयमा देखो आयमा, ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे फोन पे बात कर सकती हूँ तुम जितनी देर चाहो, लेकिन मैं आ नहीं सकती। जिद कर रही है तो चलते हैं ना। नहीं आसिम, रायमा अरे तुम वहां क्यों सो गई थी? आसिम मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, आप पूरी रात। भूल जाओ, रात गुजर गई है ना, इसका ये मतलब थोड़ी कि जिंदगी गुजर गई। नहीं आसिम, मेरा मतलब है रात में। मैंने कहा ना, एक रात गुजर जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। I'm really sorry आसिम। It's okay। अच्छा वो नमाज का वक्त हो रहा है, मैंने फजर कभी कजा नहीं की। आयमा क्या हुआ, तुमने इस वक्त फोन किया? तो मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मुझे आके सुला दे, मेरा सर भी फट रहा है दर्द से। आयमा तुम ठीक तो हो ना? मैं मर जाऊंगी, खुदा के लिए हाजिर। आयमा तुम क्यों नहीं समझ रही कि मेरा इस वक्त आना बिल्कुल नामुमकिन है, मैं अपने ससुराल में हूँ, मैं कैसे आऊँ इस वक्त? आप ही, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, नहीं आ सकती। मैं अब्बू को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, तुम मुझे तंग कर रही हो। आसिम वो आयमा चलें फिर। इस वक्त आसिम, इस वक्त आयमा को तुम्हारी जरूरत है। नहीं आसिम, मैं भी फजर की नमाज पढ़ लेती हूँ।
बंद कर दिया, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, वरना आप ही मेरा फोन तो नहीं काट सकती। अंकल को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो अंकल, प्लीज मेरी आप ही से बात करवा दीजिएगा प्लीज। आयमा बेटा, इस वक्त मैं एक मिनट होल्ड करो, अपनी आंटी से बात कर लूं। आयमा हेलो बेटा। आयमा सब ठीक तो है? असलम भाई की तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत ठीक है उनकी, बस मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही के बगैर नींद नहीं आती है ना, आप प्लीज उनको भेज देंगी प्लीज। बेटा रायमा से बात करवा दूं इस वक्त? नहीं अभी ना, मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकती हूँ ना उसे भेज सकती हूँ।